दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओप्पो A16 के बारे में, और इसका जो है मॉडल नंबर आप लोग देख सकते हो CPH2269। आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, देख सकते हो। तो इसमें जो प्रॉब्लम है, लॉक पड़ा है। अगर आप इसका लॉक घर में खोलना चाहते हो तो आप इसको कैसे हार्ड रिसेट कर सकते हो, आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा दोस्तों। तो पहले आपको क्या करना है ना, मोबाइल को स्विच अप कर लेना है। देखिए मैं मोबाइल को एक बार स्विच अप कर लेता हूँ, और स्विच अप करने के बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। वीडियो में आखिरी तक बने रहना। जैसे ही ओप्पो का लोगो बंद हो जाएगा, मोबाइल स्विच अप हो जाएगा, उसके बाद वॉल्यूम का माइनस बटन को प्रेस करके ऐसे रखना है, और उसके बाद पावर बटन प्रेस करना है। थोड़ा देर प्रेस करके रखने के बाद आपका ओप्पो का लोगो आ जाएगा। जैसे ही ओप्पो का लोगो आ जाएगा तो पावर बटन छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, वॉल्यूम का माइनस बटन को ऐसे ही प्रेस करके रखना है जब तक आपका फास्ट बूट मोड या तो रिकवरी मोड नहीं आ जाता है। थोड़ा देर प्रेस करके रखने के बाद आपका फास्ट बूट मोड या तो रिकवरी मोड जो है आ जाएगा। देखिए दोस्तों इधर जो है आ चुका है रिकवरी मोड। आपको इंग्लिश में पावर बटन प्रेस कर देना है, और उसके बाद आपको इधर जाना है फॉर्मेट डाटा पे, इधर आपको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करोगे तो इधर आ जाएगा प्लीज एंटर वेरिफिकेशन कोड, और इधर आपको क्या करना है 1882, इधर आपको ये जो वेरिफिकेशन कोड है एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करने के लिए इधर एंटर करोगे तो इधर नीचे आएगा फॉर्मेट डाटा। जैसे ही आप ओके करोगे तो आपका मोबाइल का पिन पैटर्न पासवर्ड लॉक जो है अनलॉक हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ इधर ध्यान देना कि आपका मोबाइल का जो भी मतलब फोटो वीडियो कॉन्टैक्ट है वो भी सब कुछ डिलीट हो जाएगा, उसके साथ साथ आपका पिन पैटर्न पासवर्ड लॉक जो है अनलॉक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का दोस्त लोग के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।